वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हो गए। तो आज का व्लॉग हमारे गांव में जो ऊँट आए हुए हैं तो वो सोचा मैंने दिखा दूं आप लोगों को। तो मैं ऊँटों की तरफ जा रहा हूँ ताकि पास से दिखा सकूँ आप लोगों को, और खुद भी देखना चाहता हूँ कि वो ऊँट जो कैमरा में किस तरीके से दिखते हैं। कैमरे में मैंने कभी नहीं देखे हैं, तो मैंने सोचा अभी आप लोगों को भी दिखा दूँ, खुद भी देखूँ कि कैमरा में किस तरीके से बेहतरीन लगते हैं। और उसके अलावा पास से बच्चे जो कितने प्यारे प्यारे लगते हैं यार, वो मुझे कमाल के लगते हैं, क्यों बहुत प्यारे लगते हैं वो, तो वो भी दिखाना चाहता हूँ। और बहुत सारे ऊँट हैं, चर रहे हैं, तो अभी जो है बिल्कुल ही देख सकते हैं खाली हो गए हैं, गंदा मंदा उठा लिया है, तो ऊँट भी चरने आ रहे हैं बहुत सारे। और भी चीज़ और भी जानवर आएंगे चरने के लिए, तो जितने भी आएंगे आप लोगों को मैं इंशाल्लाह सारे दिखाऊंगा। बड़े बड़े ऊँट हैं, देख सकते हैं आप कितने आप चढ़ रहे हैं, और उसकी जो हाइट है जो कितना बड़ा है आप देख रहे हो, तो कितना ऊपर ही जो है पेड़ है उसको खा रहा है। के नन्हे से बच्चे पता नहीं क्यों मुझसे डर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी नए नए आए हैं बाहर, तो आस्ते से ये भी सही हो जाएंगे, डरना छोड़ देंगे। क्योंकि हमारे गांव में या आसपास ऊँट वगैरह नहीं है, तो कभी कभी आते हैं, छः छः महीने साल साल के बाद आते हैं, तो इसलिए जो ऊँटों को दूध है वो पीते हैं या चाय बनाते हैं, उन लोगों को बहुत मज़ा देता है। तो वो आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरीके से जो दूध निकाल रहे हैं, और बच्चे भी पी रहे हैं दूध भी निकाल रहे हैं। सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, प्लीज़ इसके सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए। थैंक यू। ऊँट के कितने इतने प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत दिख रहे हैं और प्यारा सा दिख रहे हैं, क्योंकि वो जो खा रहे हैं पेड़ वगैरह तो कितना प्यारा दिखते हैं, और एक ही जो झुंड में रह रहे हैं देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा खूबसूरत। मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, कज़न है वो दूध लेने के लिए आया हुआ है ऊँटों का दूध, क्योंकि हमारे गांव में या आसपास ऊँट वगैरह नहीं है, तो कभी कभी आते हैं, छः छः महीने साल साल के बाद आते हैं, तो इसलिए जो ऊँटों को दूध है वो पीते हैं या चाय बनाते हैं, उन लोगों को बहुत मज़ा देता है। तो वो आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरीके से जो दूध निकाल रहे हैं, और बच्चे भी पी रहे हैं दूध भी निकाल रहे हैं। देख सकते हैं मेरे कज़न को कितना दूध दिया है, वो ये दूध है बिल्कुल ही सही और सफ़ेद दे, देख सकते हैं आप। गाय भैंस जो बकरियां थी वो उनसे डर रही थी पता नहीं क्यों, एक ऊँट के बच्चे से ऊँट से क्योंकि डरते हैं पता नहीं क्यों, आज डर रहे हैं बहुत। जो आग भी लगा रहे थे क्योंकि सफाई करना है, कपास की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को दिखा दूँ, गंद कीचड़े जला रहे हैं, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि दूर से मैंने आप लोगों को जूम करके दिखाया था, आग भी लगा रहे हैं और रूट भी आ रहे हैं, तो दोनों चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊँ क्योंकि किस तरीके से आग जो कैमरा में दिखता है, और उसके अलावा कपास की तैयारी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आग उठा के जा रहे हैं ताकि सारे ज़मीन में जो तेज़ी से आगे लग जाए, जो जल्दी सफाई हो जाए, क्योंकि धूप भी बहुत है, क्योंकि गर्मी लग रही है और आग भी जल रहा है नीचे, तो इसलिए जो है जल्दी जल्दी करके इधर उधर करके जो गंद कचरे जला रहे हैं।
चुका हूँ।